हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ और एक्सरसाइज 5.3 हम लोग शुरू करेंगे। और चलिए करते हैं स्टार्ट। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं और साथ में फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 5.3, उसमें है क्या? देखिए, अभी तक आपने एपी में टर्म्स की वैल्यू फाइंड की है, किस नंबर पे कोई टर्म है वो पता किया है। अब मेरे पास सपोज करें एक सीक्वेंस है, जो इसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 2, 5, 8, 11, 14, ये सारे नंबर एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 है। अगर मुझे इनका सम पता करना हो, एडिशन पता करना हो, इनका क्या बनेगा, तो क्या तरीका रहेगा? आप बोलोगे ऐड कर देंगे, 2 प्लस 5, 5 प्लस 8, 8 प्लस 11, 11 प्लस 14, ठीक है, ये एक चीज सही है। लेकिन अगर सपोज करो मुझे ये अप टू 70 टर्म्स तक सम पता करना हो, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? आपको 70 तक नंबर लिख लेंगे, उनको ऐड कर देंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये तरीका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और हो सकता है आप इरिटेट होकर इसको बीच में छोड़ दो? तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, बहुत सारी टर्म्स हैं, तो उनको अगर मैं प्लस करना चाहता हूं तो क्या मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला होगा? तो वो फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। एन आप जैसे जानते हो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो एन यहाँ पे होगा पैरों में वही एन यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ए आपको पता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब क्या है, एस एन के फॉर्मूले में कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, तो उस वजह से ये एक नया फॉर्मूला आ गया है। वहां पे आपको एक टर्म की वैल्यू पता चलती थी, यहाँ पे आपको टर्म्स के जो सम है उसके बारे में पता चलेगा। एस एन का एक और फॉर्मूला है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, जो मेन फॉर्मूला है ये वाला, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बाय टू तो सेम टू सेम, 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस एन माइनस वन डी, एन बाय टू ए प्लस, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास ए एन का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई करके एक नया फॉर्मूला बना ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी है, लास्ट टर्म को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए एन को एल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यानी अगर मुझे लास्ट टर्म दे दिया हो तो आप ए एन भी यूज कर सकते हो या एल भी लिख सकते हो। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, या फिर अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 होने वाली है। तो अब हम लोग 5.3 को कंटिन्यू करते हैं। चलिए फॉर्मूले लिखे रहेंगे और ये बाकी जो सारी चीज है उसे अपन इरेज कर देते हैं और एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करके अब देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम, तो सम पता करना है ये हमें कहा हुआ है। और इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसका सीक्वेंस है 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स, यानी कि 10 टर्म्स होंगी सेपी में और उन 10 टर्म्स का सम मुझे पता करना है। तो एस एन का फॉर्मूला मेरे सामने है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि मुझे ए एन नहीं पता, ए एन मतलब 10th टर्म नहीं पता। और अगर मुझे पता करना भी हो तो मैं पता कर सकता हूँ बाय यूजिंग ए एन का फॉर्मूला। तो मैं ए एन का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि अगर हमें इसकी भी जरूरत पड़ी तो हम लोग ये भी यूज कर लेंगे। ओके, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा पहले। तो पहले मैं एक बॉक्स बना के यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या क्या मुझे गिवन है।
मुझे एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 10 गिवन है, ए है फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो कि 2 है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ a2 - a1, तो 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5, तो ये डी की वैल्यू आ गई। तो अब ए एन और डी सब कुछ पता चल गया है, वी कैन इजीली कैलकुलेट एस एन। तो पैर में एन की जगह 10 लिख देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, एन की जगह 10, 2 मल्टीप्लाई बाय ए, ए की वैल्यू 2 है, n-1 यानी कि 10-1 और d की वैल्यू हमने 5 कैलकुलेट कर ली है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 10 में से 1 गया 9 और 9 की मल्टीप्लाई 5 से हो रही है, तो 5 मल्टीप्लाई में 4 + 9 × 5 = 45, तो 5 × 49 तो ये बन जाएगा 245। तो 245 जो है वो हमारा आंसर आ गया है और ये हम लोगों ने फाइंड करना था। तो जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्या कुछ गिवन है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है -37 - 33 - 29 टू 12 टर्म्स। ओके, तो मुझे ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस का 37 दिया है, बी कैलकुलेट कर लेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, माइनस का 33 और ए की वैल्यू -37, तो ये बनेगा -33 + 37 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 12 है, तो अब एस एन का फॉर्मूला लिखा हुआ है एन की जगह 12, तो 12/2, 2 मल्टीप्लाई बाय ए, ए की वैल्यू माइनस का 37 है, n-1 12-1 और डी की वैल्यू प्लस का 4, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 को -37 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 34, 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 माइनस का 74, 11 × 4 = 44, 74 में से 44 गया माइनस का 30, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 180। तो ये हमारे पास सम आ गया कि इस एपी में अगर 12 टर्म्स होंगी तो इनको जब ऐड करेंगे तो माइनस का 180 आएगा। वाई नेगेटिव, क्योंकि सभी टर्म्स नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन रिटेन हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर मतलब 3 की। क्वेश्चन तो वही चल रहा है, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो थर्ड पार्ट अब हम लोग करने वाले हैं। तो 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो यहां पे बनाएंगे एक बॉक्स, तो ए की वैल्यू इज 0.6, एन 100 दिए हुए हैं 100 टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 - a1 करते हुए, 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। नाउ अब फॉर्मूला आपके पास है एस एन वाला, तो पैर में 100 लिख देंगे, तो एन बाय टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए, ए की जगह 0.6 है, तो 100 - 1 और कॉमन डिफरेंस 1.1
वन है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आएगा, और ये 99 की मल्टीप्लाई 1.1 से होगी, 1.2 प्लस, तो 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 1089, और एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय ये ऐड करेंगे हम लोग 108.9 में 1.2 ऐड किया तो 110.1 और मल्टीप्लाई बाय 50 तो 5505, तो ये मेरा आंसर आ गया, मतलब 100 टर्म्स का जो सम है वो 5505 मुझे मिल गया और यही मुझे फाइंड करना था। चलिए अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट भी है। चलिए तो फोर्थ पार्ट का जो सीक्वेंस है वो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे, 1/15, 1/12, 1/10, और ये हमें पता करनी है 11 टर्म्स। ओके, तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/15 है, नंबर ऑफ टर्म्स 11, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ए टू में से ए वन माइनस करके, 1/12 माइनस 1/15 तो 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1/60, तो 1/60 है वो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब एस एन का फॉर्मूला एन की जगह 11 पुट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो एन बाय टू 11/2, 2/a, ए की वैल्यू 1/15, एन माइनस 1 यानी 11 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि 1/60, 11/2 तो 2/15 तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/60 आ गया 11/2, 2/15 प्लस 0 से 0 कट गया तो 1/6, 15 और 6 का एलसीएम 30 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 30 को 6 से डिवाइड किया 5 × 1 = 5, तो ये आ गया 11/2 9/30, ये 3 के टेबल पे कट सकता है तो वी आर गेटिंग 33/20, तो ये मेरे पास सम आ गया है 11 टर्म्स का 33/20, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था इस सीक्वेंस में। तो आई होप कि आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन के सभी 4 पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।